आमतौर पर आप देखेंगे कि जब दो पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन होता है तो दोनों साथ आकर रैलियां और रोड शो किया करते हैं, एक साथ एक ही मंच भी साझा करते हैं। लेकिन इन सब के इतर दोनों पार्टी ये भी सुनिश्चित करती हैं कि सबका अपना आत्मसम्मान भी बचा रहे। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों कई मौकों पर एक साथ रोड शो और जनसभाएं करते देखे गए हैं, लेकिन कभी ये देखने को नहीं मिला कि अखिलेश के हाथों में कांग्रेस का सिंबल या कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हो। सूत्रों से ऐसी खबरें मिली थी कि अखिलेश ने चंद्रशेखर को साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ने का न्योता दिया था, लेकिन आजाद ने मना कर दिया था। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी नीतीश कुमार की कि एक रैली में जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमल का सिंबल लिए नजर आ रहे हैं और शायद खुद से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं, उनका झुका हुआ सिर और चेहरे के भाव सब कुछ बयान कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का कहने को तो गठबंधन है, लेकिन चुनावी कैंपेन में जेडीयू कहीं नहीं देखा जा रहा। नीतीश कुमार के चेहरे की मायूसी देखकर यही लग रहा है कि चुनाव अब बस आखिरी चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार एक हारे हुए थके हुए नेता की मन स्थिति में दिखते हैं। उन्हें बार बार ये कहने की जरूरत पड़ती है कि अब बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए अगर आप तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए, अब आप सब तो जानते ही हैं। ये पूरी तरह आत्मसमर्पण का भाव है, वो चाहते हैं कि अब बीजेपी के सहारे आगे की जिंदगी सुविधा में कट। दरअसल रविवार को बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार रोड शो किया। ये इलाका पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लोकसभा क्षेत्र में आता है। नीतीश का पॉलिटिकल करियर नरेंद्र मोदी से काफी पुराना नजर आता है। नीतीश ही मूल रूप से पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर बैठे हैं। दूसरी तरफ उनकी पार्टी की चिंता का विषय उनकी सेहत भी है। पिछले महीने 7 अप्रैल को बिहार के नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की मौजूदगी में अपने भाषण में कई बार गलतियां की थी। नीतीश ने यहां तक कह दिया था कि लोग वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को 4000 लोकसभा सीटें देंगे। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है। अपने भाषण के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के आगे झुककर उनके पांव छूते भी नजर आए थे। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। बिहार के सियासी गलियारों में ये तस्वीर चर्चा का एक विषय बन चुकी थी, जिसे बिहार में विपक्ष ने नीतीश के सम्मान के साथ भी जोड़कर देखा था। माना जाता है कि नीतीश की लोकप्रियता में जो गिरावट हुई है उसके पीछे की एक वजह उनका बार बार पाला बदलना है। आज जिस तरह से बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे। अब नीतीश के साथ आने से एनडीए को भले ही बड़ा फायदा ना हो, लेकिन उनके विपक्ष में होने से एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन इंडिया में होते तो उनका कद और उनकी राजनीतिक हैसियत ज्यादा बड़ी होती। जाहिर है बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। ऐसे में एक सवाल दिमाग में आता है कि बीजेपी ने फिर भी नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, इस बार हालांकि मुस्लिम वोटर नीतीश के साथ नहीं दिखते हैं, फिर भी बीजेपी को लगता है कि नीतीश जितने भी सेक्युलर वोटों को तोड़ लेंगे उतना ही बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि सेक्युलर वोट कभी भी बीजेपी का नहीं रहा है। दूसरा कारण यह है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है और पार्टी में कई नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। इसलिए नीतीश को आगे करके बीजेपी अपनी पार्टी के भीतर की कलह को दबाना चाहती है। सवाल फिर यहां पैदा होता है कि जब बीजेपी को सेक्युलर वोट चाहिए तो नीतीश के हाथ में कमल का सिंबल देखने के बाद क्या सेक्युलर वोट नीतीश को या बीजेपी को पड़ेगा? शायद नहीं। तीसरा कारण दूसरे कारण में छुपा हुआ है। दरअसल इन पूरे चुनाव में चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या जेडीयू का, प्रत्याशी के काफिले में कमल ही कमल नजर आता है। हर गाड़ी पर नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है। जेडीयू के प्रत्याशी के काफिले से नीतीश कुमार की फोटो वाले बैनर गायब हो गए हैं। ये काफी है आपको तीसरा कारण बताने के लिए। बीजेपी अब बिहार में जेडीयू को खत्म करने में लगी हुई है, जिससे विधानसभा में अब आरजेडी वर्सेस बीजेपी रह जाए।
मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ। नीतीश के महागठबंधन को छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि नीतीश की पार्टी जेडीयू साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान टूट जाएगी। जेडीयू से बगावत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी करीब एक साल पहले जेडीयू को लेकर कुछ ऐसा ही दावा किया था। नीतीश के हाथ में कमल भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि नीतीश जी की स्थिति को देखकर बहुत से लोग दुखी थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जबरन उनके हाथ में कमल थमा दिया गया था। नीतीश जी ने कहा था, जो साल 2014 में आए थे वो साल 2024 में चले जाएंगे, वो अंदर से यही चाहते हैं। पूरा सहयोग मिल रहा है तेजस्वी को चाचा का, चिंता मत कीजिए, जो झंडा उठाए कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे उस काम में लग गया तेजस्वी। बस आप लोगों को बटन दाबना, लालटेन पर एक नंबर पर बटन दबाइए। और ये हमारे मित्र पूछ रहे तेजस्वी जी, यहाँ पर स्टेडियम कब बनेगा? जब तेजस्वी आएगा तो बन जाएगा। अब नीतीश अंदर से क्या चाहते हैं वो तो यही जाने, लेकिन जो जनता और हमें दिख रहा है, खतरे में जेडीयू ही नजर आ रही है। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए, लोग उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे। वहीं नीतीश कुमार कई बार ये दावा भी कर रहे थे कि अब वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है। चर्चा ये है कि नीतीश अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं और लोगों ने भी इसे उनकी जेडीयू के भविष्य के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। जेडीयू के अंदर खाने में हलचल तब से शुरू हो गई थी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान नीतीश कुमार ने खुद अपनी पार्टी के किसी नेता को नहीं बल्कि आरजेडी के तेजस्वी यादव को अपने गठबंधन के भविष्य का नेता बताया था। अब जेडीयू का बीजेपी में विलय होगा या नहीं और क्या बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी, इसे हम नरेंद्र मोदी और नीतीश के बदलते रिश्तों पर नजर डालकर समझने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2003 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, वो गुजरात के कच्छ में एक रेल परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस दौरान नीतीश ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भावी राष्ट्रीय नेता बताया था। लेकिन साल 2022 में नीतीश कुमार ने जब एनडीए का साथ छोड़ दिया, तब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कई बार तीखे हमले करते देखे गए। नीतीश चिंतित दिखते थे संविधान को लेकर, लोकतंत्र बचाने को लेकर और बढ़ रही सांप्रदायिकता को लेकर। लेकिन इससे पहले भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव देखा गया है। नीतीश और मोदी के बीच पहली तलखी साल 2010 में देखी गई, जब पटना में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भोज का आयोजन किया गया था। लेकिन अखबार में एक विज्ञापन में मोदी के साथ अपनी तस्वीर से नीतीश इतने नाराज हुए थे कि इन्होंने भोज रद्द कर दिया था। कहा जाता है कि इसी वजह से नीतीश ने साल 2008 में कोसी बाढ़ राहत के तौर पर गुजरात सरकार से मिले 5 करोड़ रुपए भी लौटा दिए थे, जबकि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी एक ताकतवर नेता हुआ करते थे। साल 2014 आते आते लोकसभा चुनावों के पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था। उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो गए थे। उस समय भी बीजेपी और एनडीए के दलों के बीच मोदी की ताकत बहुत बड़ी थी। साल 2022 में एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि अब वो मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कह देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। वहीं बीजेपी के नेता भी नीतीश के लिए एनडीए का दरवाजा बंद बताते थे। ऐसे में नीतीश बीजेपी के फिर से साथी बने, लेकिन इस गठजोड़ ने अब तक बिहार के अगले विधानसभा चुनावों के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कहा है कि चुनावों में उनका नेता कौन होगा और चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। अब आप बताइए, क्या जेडीयू बीजेपी का गठबंधन इस लोकसभा चुनावों में कुछ कमाल कर पाएगा या हमारे तीसरे कारण से आप भी सहमति रखते हैं?
और ये चुनाव जेडीयू का आखिरी चुनाव साबित होने जा रहा है। कमेंट करके बताइए, पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।